माननीय प्रधानमंत्री जी प्रणाम। माफ करिएगा, मेरा सवाल परीक्षा पे आधारित नहीं है, पर कृपया करके आप इस पे हंसिएगा नहीं। आजकल के बच्चे प्रॉपर खाना नहीं खाना चाहते, सारा टाइम चिप्स, चॉकलेट और जंक पे उनका ध्यान रहता है। आप कृपया करके हमें ये बताइए कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। इसी प्रकार के कुछ और सवाल भी मेरे साथ हैं, और ये नरेंद्र मोदी ऐप पर छत्तीसगढ़ रायपुर से सुनीता पॉल जी ने लिखा है। सर, हमारे बच्चों को हम जो टिफिन में देते हैं वे उस चीज को खाते नहीं, और हमेशा फास्ट फूड खाने की जिद करते हैं। कृपया इस मुद्दे पर हमारा मार्गदर्शन करें। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं ये सारे सवाल सुनकर के मुस्कुराऊं या जोरों से हंस पड़ूं। अगर इस मुद्दे पर हम मनोवैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़े तो शायद इसका समाधान आसान हो जाएगा। हमारी जो ट्रेडिशनल खाने की चीजें हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से उनके प्रति हम सहज रूप से गौरव का भाव पैदा करें। उसकी जो विशेषता है उसकी बात करें। खाना पकाने की हमारी जो प्रक्रिया है, किचन की जो एक्टिविटी है, वो घर के बाकी सदस्यों को पता होनी चाहिए कि कितनी मेहनत करने के बाद खाना पकता है। बच्चों के सामने भी ये सारी बातें चर्चा में लानी चाहिए। कैसे खाना पकता है, कितनी देर लगती है, कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन्हें महसूस होगा कि आखिर कितनी मेहनत का काम होता है, और तब जाकर के मेरी थाली भरती है। दूसरा, आज के जमाने में खाने पीने की बहुत सारी वेबसाइट है, हेल्दी फूड की भी कोई कमी नहीं है। क्या हम इनसे भी जानकारियां जुटाकर ऐसी चीजों को लेकर कोई गेम डेवलप कर सकते हैं जो हम हफ्ते में एक बार खेल सकें? जैसे गाजर है, कैरेट, उसके इंपॉर्टेंस पर हम बोलें, उसके क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं, क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसा करके देखें। दूसरा, हम सबके घर में जो फैमिली डॉक्टर है, वो डॉक्टर एक प्रकार से मित्र होते हैं, जब कभी उनका घर आना हो तो उनकी बातें पूरा परिवार सुने कि किस प्रकार के खाने का क्या महत्व है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, क्या खाना चाहिए। वो बता सकते हैं कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम हेरिडिटरी है और उनसे बचने के लिए क्या खाना आवश्यक है। इससे भी बच्चों को फायदा होगा। तीसरा, आप टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप बच्चों में ये क्या आपको तकलीफ हो रही है, खास करके खाने के विषय में, टीचर को समझाइए, टीचर को विश्वास में लीजिए। आप देखिए, टीचर बड़ी कुशलता से कथा कहते कहते, बात करते करते, हंसी मजाक में उसके दिमाग में भर देगा कि ये क्यों करना चाहिए। और टीचर के कहने का बच्चों पर अलग ही असर होता है। हमें भी कुछ कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। मैंने काफी ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां परिवार में ट्रेडिशनल खाना ही बच्चों को मॉडर्न रंग रूप में बनाकर दिया जाता है, तो उससे बच्चों में भी उसको लेकर एक स्वाभाविक आकर्षण पैदा होता है।
खैर ये मेरे सिलेबस के बाहर का विषय है, लेकिन हो सकता है शायद मेरी कुछ बातें काम आ जाए आपको।